अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक बड़ी स्पेशल गाड़ी है जिसके बारे में आज मैं रिव्यू करूंगा, और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रेयर है पाकिस्तान में भी और स्पेशली फैसलाबाद में। और ये गाड़ी है BMW i8 रोडस्टर। अच्छा, ये गाड़ी दो वेरिएंट में आती है, कूप वेरिएंट आता है, एक रोडस्टर वेरिएंट आता है। और कूप वेरिएंट 2014 में सेल के लिए आया था, और ये जो रोडस्टर वेरिएंट है ये 2018 में आया था। रोडस्टर वेरिएंट जो है ये कन्वर्टेबल होता है, सॉफ्ट और कन्वर्टेबल है, मैं आपको जाके वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो अच्छा, इन थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं, तो ये गाड़ी 2013 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक ऑटो शो में अनवील की गई थी, और 2014 में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी, और 2018 में इसका रोडस्टर वर्जन लॉन्च हुआ था। और इनिशियली इस गाड़ी की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो $1,70,000 है। और ये बड़ी स्पेशल गाड़ी है क्योंकि ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है, और इंजन प्लस इसमें डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, और वो उसकी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसकी इंजन की क्या पावर है और सारी माइलेज है। और एक तो इस गाड़ी का जो कलर है वो बड़ा प्यारा है, और दूसरा ये है कि गाड़ी वैसे भी इसका जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे लगता है जैसे कुछ स्पेस से आई है गाड़ी। टिल नाउ अभी भी आप इस गाड़ी को देखेंगे, मैं अभी आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, तो ऐसे लगता है कि ये गाड़ी जो है ना किसी स्पेसशिप की तरह की फीलिंग आती है। इसके फ्रंट बैक जिस तरह भी ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। थैंक्स टू सनशाइन ट्रेडिंग पाकिस्तान फॉर दिस वीडियो। और इनका जो गैराज है वन ऑफ द बेस्ट इन फैसलाबाद में, इनसे ज़्यादा अच्छी मतलब जो लग्जरी गाड़ियाँ किसी के पास नहीं है। और आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी जो है उसको विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके वो चल रही है तो आप वो देख के, तो सारे का सारा जो इनका स्टॉक होता है वहाँ पे इसकी अपडेट होती है। सबसे पहले अगर मैं इसके बात करूँ गाड़ी की, तो सबसे ज़्यादा जो प्यारी चीज़ इस गाड़ी की है वो है इस गाड़ी के बटरफ्लाई डोर्स। आप गाड़ी के जब साइड पे जाते तो आपको कोई भी डोर लॉक नहीं नज़र आता, और वो इसलिए क्योंकि ये डोर लॉक गाहन दरवाज़ों के नीचे इस तरफ हिडन होता है। जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो दरवाज़ा है वो ऊपर की तरफ खुल जाता है, और इसमें फ्रेमलेस डोर आते हैं, और ये थोड़ा सा शीशा नीचे भी चला जाता है ताकि वो टूटे ना, और बहुत ही प्यारा लगता है ये बटरफ्लाई डोर। ये BMW i8 का इंटीरियर है, और आपको कलर बॉडी कलर के साथ हर चीज़ आपको मैचिंग में मिलती है, और जो मटेरियल क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त है। इस गाड़ी में आपको एम्बियन लाइटिंग भी मिलती है, और वो भी ऑरेंज कलर में ही मिलती है, और आपको हेड्सअप डिस्प्ले मिल जाता है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो फ्रंट पे छोटा सा आपको वाइट कलर में नज़र आ रहा है, और ये बड़ा कन्वीनियंट है जब आप ड्राइविंग करते हैं। और आपको डिजिटल स्क्रीन मिलती है, OLED स्टाइलस स्टेयरिंग में कंट्रोल मिलते हैं, आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं स्टेयरिंग में, और स्टेयरिंग के इर्द गिर्द जो साइड है उसके आपको इंजन स्विचेस मिलते हैं। सेंटर में आपको बड़ा खूबसूरत कार्बन फाइबर और आपको एम्बियन लाइटिंग मिलती है, और इधर आपको जो स्टिचिंग है वो भी ऑरेंज में मिलती है, और जो मटेरियल क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली अच्छी है। इसमें वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें ग्लव बॉक्स भी है और उसमें लाइट भी है, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। और जो AC वेंट है उनके साथ आपको मेटेलिक में मिलती है, यहाँ पर स्टिचिंग आपको ब्लैक कलर में मिलती है, और जो AC इस गाड़ी का ऑटोमेटिक है, और आपको हीटेड सीट्स भी मिल जाती हैं, और सारे का सारा उसके गिर्द भी आपको कार्बन फाइबर नज़र आ रहा होगा। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप इसको डिफरेंट ड्राइव मोड इसके सेलेक्ट कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको यहीं पे ही मिलेगा, आपका जो टिपिकल BMW स्टाइल गियर नॉब, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहीं पर मिलती है। यहाँ से आप इसकी स्क्रीन को भी कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर आपको i8 की बैजिंग मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट और कन्वीनियंस है, और इसमें आपको एप्पल कारप्ले भी फैसिलिटी मिलती है। BMW का iDrive सिस्टम वैसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है, टच से भी कंट्रोल हो जाता है ये। और एक जब आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन मिलता है BMW i8 का, और ये बाहर भी मिलता है, बाहर वाली साइड पे भी, साथ में आपको एक पॉकेट नेट मिल जाता है, और ये बड़ा कूल लग रहा है और बड़ा खूबसूरत लगता है इस गाड़ी के साथ। और ये एक उन्होंने एडिशन ऐड की हुई है। और दूसरी तरफ जब आप इसका अंदर से दरवाज़ा खोल लें तो वहाँ पे भी आपको डोर हैंडल के साथ कार्बन फाइबर मिलता है, और सिंपली आपने सिर्फ इस बटन को प्रेस करना है जहाँ पे आपको ये साइन बना हुआ मिलता है, तो दरवाज़ा बड़े इजीली मतलब खुल जाता है, थोड़ा सा शीशा डाउन जाता है और साथ ही दरवाज़ा खुल जाता है, ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहीं से जब आपने इसको बंद करना होता है तो आपको बंद भी यहीं से हो जाता है, और दरवाज़ों में भी आपको वही आपको एम्बियंट लाइटिंग और ऑरेंज जो लेदर है वो मिलता है गाड़ी के कलर के हिसाब से। और जो ये गाड़ी है 2 सीटर आती है, जो सीटें वो भी 2 हैं, और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। पीछे भी सीटों के आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है। सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, और इसके अलावा एक आपको इसमें कप होल्डर भी मिल जाता है, सरप्राइजिंग है, वैसे स्पोर्ट्स कार में ये चीज़ें नहीं होती, बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है। ये जी यहाँ पे इसके नॉब के साथ यहाँ पे हिडन कंपार्टमेंट है, जब इसको आप खोलते हैं तो यहाँ पे इसका जो आपकी जो रूफ़ है उसको आप उतार सकते हैं और चला सकते हैं, जो इसकी कन्वर्टेबल है।
और सारे का सारा मैकेनिज्म आपको उसका यहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा इसमें आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए सॉकेट भी मिल जाता है, तो आपको ये भी एक अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद है ये भी काफ़ी ज़्यादा। और जब आप इसकी छत ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो वो बड़ा इजीली आपको सेंटर कंसोल में ही बटन मिलता है और बड़े फास्ट ये मतलब हो जाता है, बहुत इजीली, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आप ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर कर लेंगे। साइड पे आपको रोडस्टर की बैजिंग भी नज़र आ रही होगी सिल्वर कलर में, और ऐसे ही आप इसकी जो छत है उसको वापस भी कर सकते हैं। और आई थिंक रूफ डाउन में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। साइड्स में आपको 20 इंच की इस गाड़ी में स्टैंडर्ड अलॉय व्हील मिलते हैं और गाड़ी की साइड्स बड़ी क्लीन है। और बस आपको नीचे सिर्फ आपको जो रियर व्हील है उसके साथ आपको मिलता है आर्चीज, जहाँ से आप हवा जो है वो पास करती है। पिछली साइड पे अगर मैं इस गाड़ी की आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में बड़ा ही एक प्यारा इन्होंने एक वेंट बनाया हुआ हवा के लिए, अगर आप देखें तो आपको नज़र भी आ रहा होगा इसकी पिछली लाइट के साथ। और ये प्रॉपर फंक्शनल है, यहाँ से एरोडायनामिक्स के लिए हवा जो है वो पास करती है। और एक तो ये दिखने में बड़ा प्यारा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कुछ स्पेसशिप होता है। और सेंटर में आपको यहाँ पे रोडस्टर की बैजिंग मिलती है, साइड्स में भी इस गाड़ी में आपको रोडस्टर की बैजिंग मिल जाएगी। और सेंटर में बड़ा प्यारा इन्होंने ग्लॉस ब्लैक इस गाड़ी को पेंट किया हुआ है, BMW की और i8 की आपको वहाँ बैजिंग मिलती है। और पीछे से बड़ी डिफरेंट सी ये गाड़ी फील होती है, और साथ में जो ब्लू शेडिंग है वो हाइब्रिड का इसको बताती है। इसके अलावा इस गाड़ी का जो इंजन है उसके साथ भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है। इस गाड़ी में इंजन जो है वो पिछली साइड पे आता है, और यहाँ पे आप इसमें रख सकते हैं, ज़्यादा सामान तो नहीं आप रख सकते। फ्रंट पे भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, तो ठीक है, आप स्पोर्ट्स कार्स में इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी फेयरली इनफ साइज है, छोटे बैग इसमें आ जाएंगे। इस साइड पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो गाड़ी को अगर आपने चार्ज करना है तो फ्रंट से यहाँ पे आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। ये है जी BMW i8 रोस्टर की चाबी, और काफ़ी प्यारी चाबी है। मेटेलिक स्विचेस हैं, लॉक अनलॉक, और आपको BMW का लॉगो मिलता है और ट्रंक ओपनिंग मिलता है। फ्रंट साइड पे ये गाड़ी का जो शेप है स्टिल लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, और जो गाड़ी की जो शेप है, डिज़ाइन है, आई थिंक BMW जो है इसकी ये वाली गाड़ी जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्स में से एक आती है। इसकी जो लाइट्स है वो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, इनका DRLs, इनकी जो पैटर्न है ना वो बहुत खूबसूरत लगता है। और लाइट्स के गिर्द आपको एक ब्लैक पैटर्न नज़र आएगा, ग्लॉस ब्लैक में बड़ा प्यारा लगता है। इसकी जो किडनी ग्रिल है वो बिल्कुल बंद है, क्योंकि ड्रैग इंजन पीछे तो ड्रैग की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर आपको कैमरा भी मिलता है। और लाइट्स के नीचे इसके आपको एक पार्किंग सेंसर के साथ कट भी मिलता है। और जो गाड़ी है ये स्पेशली फ्रंट एंड से जब इस गाड़ी की छत नीचे होती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत शेप देती है। और इसका जो बोनट है उसके ऊपर भी आपको ब्लैक कलर में शेडिंग नज़र आएगी। और ये BMW की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी BMW i8 है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करूँ तो BMW i8 रोस्टर में आपको फ्रंट में ड्राइवर और पैसेंजर साइड पे चार एयरबैग मिलते हैं, नी में भी और ऊपर भी। और इसके अलावा इसमें जो सीट बेल्ट हैं वो भी आपको खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो आपको होल्ड करके रखते हैं, वहीं पे लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर आते हैं, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, हेड्स अप डिस्प्ले आता है। इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आती है। और जो इस गाड़ी की ABS ब्रेक्स हैं उनके जो ब्रेक कैलिपर हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा है, और वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी देते हैं। इसके अलावा इसमें ऑटो क्लीन वार्निंग आता है। इंजन स्पेक की बात करूँ तो BMW i8 रोस्टर जो है ये 1.5 लीटर 1500 CC 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, जो कि काफ़ी दिखने में काम लगता है, लेकिन टर्बो चार्जर साथ में डुअल इलेक्ट्रिक मोटर है और ऑल व्हील ड्राइव चलती है, तो ये गाड़ी 369 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और ये गाड़ी 0 to 100 4.1 सेकेंड में जाती है इतने छोटे इंजन के साथ, और ये काफ़ी ज़्यादा क्विक एक्सलेशन है। और जो पावर और टॉर्क है इस गाड़ी के वो बहुत ज़बरदस्त और बड़ा इंप्रेसिव नंबर है इस गाड़ी का। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन करें ऑल पे करके, ताकि जितनी भी नई वीडियोस अपलोड करूँ उसका अलर्ट आपको मिल जाए। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय के साथ बता सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।